हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड क्रिएशन बाई गाजीपुरिया पर। तो आज हम आपके लिए बेसिक जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए देखते हैं कि आप 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गंगा। लेकिन इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, या दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो उसका आंसर होगा कावेरी। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी, जो कि अफ्रीका में है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है दयाराम साहनी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछ ले इसमें कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सिक्किम होगा। हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को ही हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5, राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड का टाइम लगता है। अब इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय गान क्या है हमारा? तो जनगण मनगण हमारा राष्ट्रीय गान है, और इसके रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 25 जनवरी को। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन को ही WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 10, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत और चीन की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 11, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 12, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया को कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 13, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल दुनिया भर में कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सिंहासन पर शासन करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन है? तो इसका आंसर होगा रजिया सुल्तान। थैंक यू गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें।